Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 43वें मुकाबले में दो टीमों के बीच घमासान दिखा। वहीं मैच के बाद उससे भी बड़ा घमासान देखने को मिला है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ग्राउंड पर ऐसा माहौल हो गया था मानो किसी मोहल्ले की लड़ाई चल रही हो। फिर आमने सामने भी दो दिल्ली के लड़के थे तो यह मामला और भी गर्म हो गया। जितनी सुर्खियां इस लो स्कोरिंग मैच ने नहीं बटोरी उससे ज्यादा विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई ने बटोर ली। इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक से। शुरू से आखिरी तक इस लड़ाई में क्या हुआ, क्यों ये बहस शुरू हुई, सब आपको बताते हैं आइए इस वीडियो के माध्यम से। कहां से शुरू हुई थी लड़ाई? दरअसल ये शुरुआत हुई तब जब लखनऊ की बल्लेबाजी चल रही थी और मोहम्मद सिराज पारी का 17वां ओवर फेंक रहे थे। इस ओवर में सिराज और नवीन के बीच कुछ कहा सुनी हो गई। ओवर खत्म होने के बाद सिराज ने जबरदस्ती नवीन के पहुंचने के बावजूद गेंद स्टंप पर मार दी। वहीं से बात बढ़ गई। फिर विराट कोहली भी इस मामले में कूद पड़े। विराट और नवीन के बीच यह कहा सुनी मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक तक चली। जब सभी खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे उस वक्त भी जब विराट और नवीन का सामना हुआ तो दोनों में कुछ बातचीत हुई। इसके बाद नवीन ने विराट का हाथ झटक दिया और वहां से मामला और बढ़ गया। इस दौरान गौतम गंभीर अंपायर से गुस्से में कुछ बात करते नजर भी आ रहे थे। फिर गौतम गंभीर की एंट्री हो जाती है। इस विवाद के बाद अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते समय विराट कोहली लखनऊ के खिलाड़ी काइल मायर से बातचीत करते हुए जा रहे थे। इतने में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर आते हैं और मायर्स को ले जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे दो बच्चों की बात हो रही हो और तीसरा बच्चा उनमें से एक को नापसंद करता हो और दूसरा उसका दोस्त हो तो वो अपने दोस्त को वापस बुला लेते हैं। ठीक ऐसा ही गौतम गंभीर का रवैया भी वहां नजर आया। यहां से भी बात बढ़ गया। फिर विराट कोहली रिएक्शन में कुछ कहते हुए गए। इसके बाद पीछे मुड़कर गौतम गंभीर आए और वह काफी गर्म दिखे। यहां पर विराट और गंभीर आमने सामने हुए और दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। इतने में पूरी भीड़ जो है वो वहां पर इकट्ठा हो गई। इस मैच की बात करें तो यहां लखनऊ सुपर जॉयंट्स को लेकर एक लो स्कोरिंग मामले में आरसीबी से 18 रनों से हार गई। पहले खेलते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 19.5 ओवर में 108 रन बनाकर सिमट गई। लखनऊ की सीजन यह चौथी हार है, वहीं आरसीबी की पांचवी जीत मिली है। इस जीत के बाद लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर खिसक गई है। उधर आरसीबी ने छठे से पांचवें स्थान पर छलांग लगा दी है और मैच और पॉइंट्स के मामले में अब लखनऊ और बेंगलोर बराबर हो गए हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जॉयंट्स का नेट रन रेट काफी अच्छा है। तो यह लड़ाई किस तरीके से शुरू हुई कई लोग जानना चाहते थे। मुझे लगा आपको इस पर जानकारी दे देनी चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।